सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। मैं आपका नाम विश्वदीप सिंह है। अच्छा, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, एमएससी फाइनल ईयर का। अच्छा, हॉस्टल में रहता हूँ, यहाँ पे ना रेगुलर लाइट प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को स्टडी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, रेगुलर नहीं रहती, रात को 12-12 एक एक बजे आ रही, एग्जाम आने वाले बच्चों के, मिड टर्म आने वाले हैं, वो रेगुलर स्टडी नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ इन्वर्टर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है हॉस्टल में, तो वहाँ पे अंधेरा छा जाता है। अच्छा, और वहाँ पे जंगल वंगल भी बड़ा है, बढ़ रखा है, तो उसके जैसे कीड़े वीड़े के बड़े डर रहता है और सेफ नहीं है वहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं कि रेगुलर लाइट रहे, जैसा प्रशासन ने कह के सत्ता में आई थी कि 24 घंटे लाइट देंगे, यहाँ पे 12 घंटे प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है। अच्छा, तो आपका आपका जाम कितनी देर से लगा है यहाँ? ये पिछला एक घंटे से ज्यादा हो गया। अभी आएंगे तब तक ये जाम नहीं खुलेगा, हम नहीं खोलेंगे जब तक यहाँ पे जेई साहब नहीं आएंगे और एसडीओ साहब नहीं आएंगे। हमको रिटर्न में चाहिए कि हमको सफिशिएंट लाइट मिलेगी, तब ये जाम खुलेगा नहीं, जाम पूरे दिन लगा रहेगा। अच्छा, अभी कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया? अभी कोई अधिकारी नहीं आया, कोई प्रशासन से जुड़ा व्यक्ति नहीं आया, इस बात का मैं बड़ा खेद है। ये यहाँ पे छात्र इतनी देर में धूप में तप रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये छात्र के बाद कोशिश हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा या हम होंगे? हम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होंगे, आग लगा देंगे लेकिन छात्र पीछे नहीं हटेगा, छात्र तक नहीं। मिली इससे बड़ा जाम लगाऊंगा मैं यहाँ। परसों कहा देगा? परसों कहा देंगे? कल तो रात नहीं आई, कल बिल्कुल रात में नहीं आई, रात में 6 घंटे उसका जुर्माना कौन देगा? एग्जाम में ब्रेक लगेगी उसके।